और अब बात कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज की, जिनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। आज हल्के सुबह सुबह उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। राष्ट्रपति पीएम मोदी और सीएम योगी ने बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि दी। सुर और ताल के साथ घुंघरू की मन मोह लेने वाली अलहदा झनकार। इसे जादू नहीं तो और क्या कहा जाए, जो ताल और घुंघरू का ऐसा तालमेल करती जिसकी जुम्बिश देखने और सुनने वालों को सम्मोहित कर देती थी। महान फनकार, कथक सम्राट, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज, जिनकी अजीम शख्सियत कभी भी लफ्जों की मोहताज नहीं रही, आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। हार्ट अटैक की वजह से 83 साल के बिरजू महाराज ने दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने शास्त्रीय नृत्य के इस पंडित को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर पंडित बिरजू महाराज को नमन किया है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी और सिंगर अदनान सामी समेत कला और संस्कृति के दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनके बारे में जब सुने हैं वही तो जैसे कोई कलेजी में चोट लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत मानते थे हमको और कई जगह हमारा उनका प्रोग्राम हुआ, हमारा गाना, उनका नृत्य, और बहुत मानते थे। अपने शागिर्दों और चाहने वालों के बीच पंडित जी के नाम से मशहूर थे बिरजू महाराज। कथक का सरमाया थे बिरजू महाराज, लेकिन उनका ओघड़पन और सादगी तो देखिए। कहते थे, मैं खुद को अच्छा शागिर्द मानता हूँ, गुरु नहीं। संगीत और म्यूजिक का ऐसा एक धुन है कि जिससे हमें किसी की चीज़ की कमी नहीं लगती। मुझे लगता है कि यही सबसे सही है, यही मेरा ध्यान है। मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा शागिर्द कहता हूँ, गुरु नहीं कहता हूँ कभी भी, मैं शागिर्द हूँ। अच्छा, कथक के लखनऊ घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में शुमार था। 9 साल की उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। बिरजू महाराज का बचपन आचार्य शंभू महाराज और लच्छू महाराज से कथक की दीक्षा लेने में बीता। कथक के साथ बिरजू महाराज को तबला, पखावज, नाल और सितार जैसे वाद्य यंत्रों में भी महारत हासिल थी। पंडित जी एक अच्छे गायक, कवि और चित्रकार भी थे। उनके हाथ में जाते ही वाद्य स्वयं बोलने लगता था। नृत्य की परंपरा में उसकी शुद्धता पर ध्यान देने के बहुत बड़े आग्रही थे, अद्भुत कलाकार। बिरजू महाराज ने कथक में कई नए प्रयोग किए। कथक के इस पंडित की धमक बॉलीवुड में भी रही। उन्होंने कई फिल्मों के लिए कोरियोग्राफ भी किया। सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी हो या फिर यश चोपड़ा की दिल तो पागल है, फिल्म गदर, डेढ़ इश्किया और देवदास के साथ फिल्म बाजीराव मस्तानी, इन फिल्मों में भी पंडित जी की कोरियोग्राफी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन होने से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। लखनऊ में उनकी पैदाइश थी, पर लखनऊ और बनारस दोनों ही घरानों को उन्होंने खूब संवारा। महाराज जी का जहाँ तक व्यक्तित्व था, ऐसा मृदुभाषी आदमी कि छोटों को छोटे की तरह इतना प्यार करते, बड़ों को उसी तरह सम्मान करते, ऐसा दुर्लभ कलाकार आज हम लोगों के बीच से चले गए हैं। ऐसा कलाकार, ऐसा दिग्गज कलाकार, मतलब हमने तो अपने जीवन काल में हमने बहुत कम लोगों को देखा है। पंडित बिरजू महाराज का यूं जाना देश की कला और संस्कृति जगत के लिए बड़ा नुकसान है। न्यूज़ नेशन की तरफ से पंडित बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि।